खरगोन पड़ोसी जिले खंडवा में सेवानिवृत्त चिकित्सक सुंदरलाल गुप्ता के साथ गत दिनों की गई मारपीट व अभद्रता पर दशोरा समाजजनों ने नाराजगी दर्ज कराई है। आक्रोशित समाजजनों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर इस घटना की निंदा करते हुए हमलावरों पर कार्रवाई की मांग को लेकर गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। दशोरा समाज के प्रांतीय अध्यक्ष हुकमचंद गुप्ता, नगर अध्यक्ष पंकज सुगंधी, संजय गुप्ता, हेमंत गुप्ता आदि ने बताया कि डॉक्टर गुप्ता सीता परिमार्थक ट्रस्ट के माध्यम से गरीब बच्चों को शिक्षण कार्य के लिए स्कॉलरशिप एवं अन्य सामाजिक कार्यों में मदद करते रहते हैं। नाम मात्र के शुल्क पर स्वास्थ्य सेवाओं से पूरे खंडवा शहर को लाभान्वित कर रहे हैं। विगत दिनों एक जाति विशेष वर्ग के लोगों द्वारा उनकी सेवा भावना के दुर्भावनावश उनके चिकित्सालय में बलपूर्वक घुसकर उनके साथ मारपीट की, जो चिकित्सकीय पेशे को अपमानित करने के साथ ही असंवैधानिक है। समाजजनों ने मांग की है कि डॉक्टर गुप्ता को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। खंडवा में हमारे दशोरा समाज के 80 वर्षीय डॉक्टर एसएल गुप्ता, जो कि हमारे समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है और बहुत ही सेवाभावी व्यक्ति है, उनके ऊपर कल असामाजिक तत्वों के द्वारा हमला किया गया, जबकि वो निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते हैं, पर कल कुछ असामाजिक तत्व उन पर आए और हमला किया। अब इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम इसीलिए ज्ञापन देने आए हैं ताकि उनके लिए न्याय हो सके, क्योंकि वो सिर्फ सेवा कर रहे हैं। वो उनकी उम्र के देखते हुए भी कि उन पर इतना हमला करना कोई उचित नहीं था, और बहुत दिल से सेवा करते हैं वो, हम सब उन्हें बहुत बरसों से जानते हैं और पूरे समाज में वो बहुत ही मान सम्मान रखते हैं, बहुत प्रतिष्ठा रखते हैं, और ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऊपर हमला करना ये बिल्कुल भी उचित नहीं था ये। और हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है, कृपया इसके जड़ तक जाए और पता लगाए कि किन असामाजिक तत्वों ने ये काम किया है, उन पर हमला क्यों किया है। खंडवा शहर के प्रतिष्ठित और दशोरा नागर समाज के, हमारे समाज के बहुत दानवीर और समाज सेवी डॉक्टर एसएल गुप्ता जी, जिनका पूरा जीवन खंडवा में समाज सेवा में और एक डॉक्टरी पैसे में गया है, उनके ऊपर षड्यंत्र पूर्वक आरोप लगा के और उनके साथ जो मारपीट की गई है वो घोर निंदनीय है। इस घटना के पीछे ऐसा लगता है कि कोई षड्यंत्र भी हो सकता है कि इतने वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर साहब, जिनका पूरा जीवन एक साफ सुथरा जीवन है और समाज सेवा में बहुत अग्रणी भूमिका निभाते हैं, उनको कहीं बदनाम करने की साजिश तो नहीं है। आज दशोरा नगर समाज ने पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक मंडल में इस घटना के विरोध में, जो डॉक्टर साहब के साथ मारपीट की गई उसके विरोध में, हर गांव में, हर शहर में ज्ञापन देकर सरकार से ये मांग की है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो। और इस षड्यंत्र में जो आरोपी है वो तो ठीक है, इसके पीछे भी और किन लोगों की साजिश है, क्योंकि ये घटना मात्र एक घटना नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि इतने वरिष्ठ डॉक्टर, जिनके वहाँ पर बहुत लोग मानते हैं, और उनको बदनाम करने का जो ये प्रयास किया गया है, तो ऐसा लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, तो इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो और जो लोग भी दोषी हो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। इस मांग को लेके पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह पर डॉक्टर साहब के साथ न्याय हो, ऐसी मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। धन्यवाद। खंडवा के माननीय एसएल गुप्ता जी डॉक्टर साहब के साथ जो घटना घटी है वो बहुत बड़ी दुर्भावनापूर्ण तरीके से की गई है, उसकी उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए, यही हमारी पूरे समाज की, जिला परिषद की मांग है। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट, खरगोन। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।